पत्नी और बेटे की हत्या कर फंदे से झूला पति, एक ही कमरे में मिला तीनों का शव, जांच में जुटी पुलिस। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पति पत्नी और उनके बेटे का शव एक ही कमरे से बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान, राज्य के श्रावस्ती टुडे न्यूज। राधे जी, झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मरने वालों में पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है। घटना स्थल पर पति और बच्चों का शव फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी का शव कमरे में ही पड़ा मिला। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली के पठौरिया क्षेत्र निवासी निलेश की शादी प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। शादी होने के बाद से ही पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। मृतक निलेश ऑटो चलाने का काम करता था, उसे शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले ही प्रियंका अपने मायके प्रेमनगर रहने के लिए आई थी। प्रियंका की मां ने बताया कि दो दिन पहले उनके यहां एक कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए दामाद निलेश भी बच्चे के साथ आया था। कार्यक्रम के बाद निलेश यहीं रुका हुआ था। प्रियंका की मां ने बताया कि आज हम लोगों को रिश्तेदारी में एक कार्यक्रम में जाना था। घर पर दामाद निलेश, बेटी प्रियंका और नाती हिमांशु मौजूद थे। जब हम लोग कार्यक्रम से घर लौट कर आए तो सूचना मिली कि घर पर तीनों लोगों के शव पड़े हुए हैं। दामाद निलेश और नाती हिमांशु का शव फंदे पर लटका मिला और बेटी की लाश वही जमीन पर पड़ी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए दिखाते हैं इस मामले को लेकर पुलिस और परिजनों का क्या कहना है। हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, तो हमारी छोटी वाली लड़की बमीना थी, उसने फोन करा, मम्मी पापा दीदी को फांसी लगा दे। हमने कही कौन को? बोली सोनी दीदी को, जीजा जी ने, वो हिमांशु को, सबको फांसी अपने घर में लगा ले। है जो ही तो देखा, बस वो अंदर क्या देखा, कौन कौन लटक रहा था? जीजा जे दामाद लड़का अंदर घुसने ही नहीं दी क्या? जे लड़का किचन में कैसा, हम आते ही नहीं घर में, हमने तो लटका देखा फांसी पे। और बेटी? बेटी अंदर है, घुसने ही नहीं दी क्या? और बेटी के साथ में कौन था? कोई ना था, तीनों जने थे। बच्चा है क्या? हाँ बच्चा अंदर है। बच्चे की 3 साल 4 साल है। हाँ इन लोग की तो पहले ही होती रहती थी, जे ले आ वो ले आ, लड़ाई लड़ता रहता, कुछ अलग करता रहता, मारता रहता था। इधर दो दो तीन तीन महीने रख लेते थे हम। जे तो इसका घर तो पठौरिया पे है। अरे परसों नरसों हमारे लड़के का दादी का हैप्पी बर्थडे था, जब ही का इधरी मेला, अपने घर नहीं जा रहा वो हमारा लड़का। अब जैसा प्रोग्राम है तो छोटे लड़के दामाद को सामान देने गया, बहू लड़का और नाती, तो इसने जे कर लिया, जे फांसी पर लटक दिया, तीनों को लटका दिया। कोई नहीं था घर में, नीलेश, प्रियंका, हिमांशु। हमें क्या लग रहा, हमने देखा ही नहीं, हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, कुछ फैक्ट्री में रहते, हम इधर रहते ही नहीं। यहाँ मोहित साहू बोला। उनके घटना सर, इन दोनों में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा पहले से, 4-5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं सर जी लोग। आज हो सकता है हम लोग गए थे बबीना में, तो हो सकता है उनकी लड़ाई भाई हो उस पीरियड में, दोनों की राजीनामा से भाई हो ये तो हम नहीं जानते, पर ये पता कर पहले जिया ने दोनों को टांगा, क्योंकि हम आए थे तो कुंडी लगी थी अंदर वाले कमरे की, तो हमने कुंडी खोली तो दीदी जिया जी अंदर थे और इस वाले कमरे में जिया जी अलग लटके थे। बस जैसे टंगे हुए हैं वैसे ही है। हाँ नहीं, दीदी नीचे डली थी, उनकी जीभ बाहर थी और बच्चा जस्ट बगल में गेट के वो लटका हुआ था, छोटा वाला जीजा यहाँ पर लटके किचन में रस्सी से टंगे जिया जी, और बच्चे को शायद वो लगा दुपट्टा वगैरह कोई, उससे बच्चा टंगा हुआ। अभी ये तो सर हम नहीं, झगड़ा ही हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है, वो शायद ड्रिंक करके आए होंगे, उनसे सहन शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि हम लोग रहते थे तो संभाल लेते थे, हो सकता अब वो अकेले थे, आप ही से बाहर हो गए हों। ये 2 क्वार्टर के बाद जो फैले हैं गंदी गंदी गाली बहुत, हमेशा इन पे हमेशा कर्जा रहा है, हमने इनका बहुत सालों से कर्जा निपटाते चले आ रहे हैं, अभी भी इस साल में विदा के रखा है, ये पैसे पैसे की उम्मीद थे टोटल, बस इन्हें पैसे दे दो, आप ही चलाते हैं। कमाई नहीं थी दीदी, परेशान थी, भूखी रहती थी दीदी,
इसी चक्कर में वो मायके आ जाती थी कि माँ के इमाम सुखा मिल जाएगा, तो जैसे ये मायके आती थी तो जब पीछे से आप लेके यहाँ पे मारने आ जाते थे उसे। अभी दो दिन पहले आई, हमारे लड़के का बर्थडे हुआ था ना तो उस फंक्शन में आई थी ये, तो ये कल कह रहे थे कि चलो तुझे गंदी गंदी गाली देगा परसों यहाँ पे, उन्हें गंदी गंदी गाली देगा माँ की लोड़ी बहन की लोड़ी करके। तो उस वक्त हम लोग थे सब, नहीं जब हम नहीं थे घर पर कोई नहीं था, मम्मी पापा बेकरी में काम करते हैं जी, मम्मी पापा बेकरी में, हम अकेली थी घर पे, तो हम दोनों चले गए थे जिया जी को बिदा देने, बस दीदी अकेली थी बड़ी जी। दोबारा आए होंगे सर जी, अभी आए होंगे एक आध घंटे पहले जब लड़ाई हुई है, नई बस्ती में मामला है। तीन डेड बॉडी घर में निकली है, किस स्थिति में थी, क्या मर्डर है, क्या और मामला है। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में तीन डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया और फील्ड यूनिट भी पहुंच गई है, और मैं और अन्य अधिकारीगण भी अभी मौके पर है। अब घटनास्थल देख के थोड़ा कष्ट भी लग रहा है, बट ये है कि किचन में पुरुष का डेड बॉडी हैंगिंग पोजीशन पे मिली है और महिला का डेड बॉडी का स्ट्रैंगुलेशन और बच्चे का भी स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो देख के ये लग रहा है कि इस पुरुष द्वारा अपना पत्नी और बच्चे को हत्या करने के बाद अपना खुद फांसी लगाया है। ये इसलिए ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि परिवारों से हम लोग अभी पूरा विस्तृत बातचीत किए हैं। कल भी बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों को, और अलग रहने का इन लोगों के द्वारा फैसला लिया गया था। फैसला के बाद ये गुस्से में अपना बच्चे को साथ लेकर चले गए थे। आज औरत अपना मायके में अलग रह रही थी और पति हमारा झांसी जनपद में कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था, और वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो भी अभी यहाँ घटना के जो हम जो घर है इसका बाहर ही खड़ी है, तो देख के ही लग रहा है कि इस तरह का, और परिवारों से इंटरेक्शन से ये पता चल रहा है कि पारिवारिक झगड़ा को लेके ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया था, जिसको लेके ये हो सकता है घटना हुई हो। फिर भी हम लोग सीसीटीवी यहाँ पे लगी हुई है, उसका सीसीटीवी का पूरा फुटेज हम लोग अवलोकन करेंगे। प्रथम दृष्टिया पुलिस का नज़र से और परिवारों के इंटरेक्शन से नज़र से हम लोग को ये लग रहा है। सर क्यों घटना की, क्या लग रहा है, वजह क्या होगी? जैसे मैंने बताया कि इन लोगों का पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा अक्सर होती थी, और जो ऑटो चलाते हैं वो बहुत दारू भी पीते हैं, इस बात को लेकर भी पहले भी लड़ाई हुआ है, और कल ही इन दोनों को आपस में बहुत झगड़ा हुआ है, जिसमें परिवार लोग खुद बता रहे हैं कि ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया गया था। सर आपने अंदर देखा क्या, संघर्ष किया हुआ पत्नी ने, लड़ाई झगड़ा उस समय जो? देखिए जिस तरह लग रहा है ऐसा सिर्फ औरत का मुंह पे थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है, बाकी गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो बाकी जैसे मैंने बताया अभी फील्ड यूनिट भी पूरा अपना काम कर रही है, हम लोग आज अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और तत्य पोस्टमार्टम से निकल के आएगा। कितनी देर पहले की मान कि अब ये घटना जो सूचना मिली है पुलिस का वो तत्काल हम लोग पहुंच गए हैं, अदरवाइज पोस्टमार्टम से और एग्जैक्ट टाइम क्लियर हो सकता है एक घंटा दो घंटा पहले की बात हो। सर बच्चों टांगा कैसा गया था, किस चीज टांगा था बच्चे? सर बच्चे का मौत वही है, मैं देख के लग रहा है कि बच्चा का स्ट्रैंगुलेशन का निशान है और पोस्टमार्टम में क्लियर हो सकता है। बच्चा भी टंगा था दुपट्टे से बचा बच्चा? हाँ बच्चे भी हैंगिंग पोजीशन पे मिला था, बट उसको देख के हम लोग को लग रहा है कि वो स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, क्योंकि पोस्टमार्टम हैंगिंग का भी निशान दिख जाती है, बट वैसे ही इसको डॉक्टर्स अपना अच्छे तरह से क्लियर बता सकते हैं। पत्नी किस हालत में मिली है, पत्नी भी टंगी थी? नहीं पत्नी उस हालत में नहीं मिली थी।